मेरे भाई बहनों, बहू कैसी होनी चाहिए? अच्छी बहू होनी चाहिए। अच्छी का मतलब कोई रंग रूप नाक कान या डिग्री डिप्लोमा से नहीं है। परमात्मा सबको सौंदर्य अलग अलग देते हैं, शैक्षणिक पात्रता भी सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन अच्छी का मतलब है जो जीवन भर अपने पति को इंसान बना के रखे, जानवर ना बनाए। आजकल बहुत सारी लड़कियां शादी करने के बाद अपने पति को जानवर बना देती। आप कहोगे कैसे? देखो माताओं, एक बात बताओ, चिड़िया का बच्चा जब जन्म लेता है तो मेरे भाई बहनों, बच्चा उसकी माँ उसको कई कई से चुगा ला के चुगाती है, चुगाती कि नहीं चुगाती? कुतिया का पिल्ला जब जन्म लेता है तो उसकी माँ डंडे खा खा के कहीं से रोटी का टुकड़ा ला के अपने पिल्ले को खिलाती खिलाती ना। जब वो बड़े हो जाते हैं तब चिड़िया का वो बच्चा फदक फदक के उड़ जाता है, कुतिया का पिल्ला वहां से भोभो करके भग जाता है। वो दोबारा लौट करके अपनी माँ को चुग्गा या रोटी लेकर के आते हैं क्या? रोटी और चुग्गा खिलाते हैं क्या? ठीक उसी प्रकार से आजकल के लड़कों की भी प्रवृत्ति बनती जा रही है, जिंदगी भर जिस माँ बाप का खाया और जैसे उसकी पत्नी आई अपने माँ बाप को उसने छोड़ दिया। इसको जानवरों की वृत्ति कहते हैं। और माताओं ध्यान से सुन लो, जो औरत ऐसा काम करती अपने पति को और उसके माँ बाप को अलग करती रखती है, उस औरत को तीन तीन जन्मों तक नरक की यातनाओं को भुगतना पड़ता है। माताओं के तो जोरदार होता है, आती है तीन महीना रुकती और तीसरे महीने पति को धमकी देते थे, अठा सुहालो, या तो अहमदाबाद, या तो चलो पालनपुर, या तो चलो बाड़मेर, या तो जालोर, ताकि माँ बाप के साथ तो हमारी सेटिंग बैठे ही कोड़ी। ऐसा मत करना। एक बात और अच्छे से सुन लीजिए, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। बीज बोया है नीमड़े का और सपने देख रहे कि आम की गुठलियों को चूसेंगे, संभव नहीं है। आपने जैसा व्यवहार आपके माता पिता के सास ससुर के साथ किया, वैसा ही व्यवहार पलट करके आपके बच्चे भी आपके साथ करेंगे। एक बात, एक औरत थी, उसके सास को घर में ही नहीं आने देती, अलग ही कमरे में बिठाती, अलग ही थालियों में खाना खिलाती। सास बिल्कुल अच्छी थी बेचारी, लेकिन पता नहीं ये देवी अमेरिका से आई थी या इंग्लैंड से आई थी। एक ही थाली, एक ही गिलास, एक ही कटोरी, रोज उसी में खाना और उसी कमरे में रहना। एक दिन मेरे भाई बहनों, उस औरत का बच्चा छोटा था, उस बच्चे ने अपने दादी से थाली ली, कटोरी ली, गिलास लिया, अपने स्कूल बैग में डाल दिया और उसको संभाल के रख दिया। माँ ने कहा, बेटा तू ये क्या कर रहा है, ये दादी का है। उस बच्चे ने जो जवाब दिया वो इतना खतरनाक था, कहा माँ मैं इसको संभाल के रख रहा हूं, दादी मरने के बाद तेरे भी तो यही काम आएगा ना। तो थोड़ा ध्यान रखो मेरी माताओं, ऐसा मत करो। अब अच्छी पत्नी पाने के लिए क्या करना चाहिए मेरे भाई बहनों? गौतम ऋषि बताते हैं। गौतम ऋषि कौन है? गौतम ऋषि देवगुरु बृहस्पति जी के भतीजे हैं, ब्रह्मा जी के जमाई हैं। ये पूर्व समय में अंधे थे। गौतम ऋषि का पूर्व नाम था दीर्घतमा ऋषि, लेकिन उन्होंने गोवंश की सेवा की और श्राद्ध पक्ष में नंदी बाबा ने आकर के मेरे भाई बहनों अपनी जिह्वा से गौतम ऋषि को चाटा और चाटने के बाद उनके आंखों की रोशनी वापस लौट करके आई और इसलिए नाम गौतम पड़ गया, क्योंकि गौ माता ने तम मतलब अंधकार मिटा दिया। ऐसे गौतम ऋषि बताते हैं कि कोई भी कुंवारा लड़का, अच्छे से सुन लीजिए, आपके घर में भी बहुत डोल रहे होंगे इधर उधर, कोई भी कुंवारा लड़का शादी से पहले प्रसव मुखी, उभय मुखी, अर्ध प्रसूता, सप्तद्वीपी पृथ्वी के समान, जिस गाय माता का आधा बछड़ा पेट के अंदर और आधा बछड़ा बाहर हो, ऐसी गाय माता की 9 परिक्रमा कर ले तो उसे सुंदर, सुलक्षणा, सुभद्रा, उत्तम कुल में जन्मी हुई, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, सास ससुर की सेवा और पति की इज्जत करने वाली कन्या पत्नी रूप में प्राप्त होती है। समझ में आ गया? पुराने जमाने में कितनी अच्छी पत्नी आती थी, डोली में बैठ के आती, अर्थी पे ही लटके जाती, ना बीच में तलाक का नाटक था, ना डिवोर्स का टेंशन था। इसका प्रमाण मैं आपको आज भी दे सकती।